नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड क्लब में। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे, उत्तराखंड में आजकल एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जो है प्यारी पहाड़न नाम से एक रेस्टोरेंट खोला गया था देहरादून में, एक पौड़ी की लड़की थी उसके द्वारा। तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, जो अपने आप को कुछ क्रांतिकारी भी बता रहे थे और अपने आप को बता रहे थे इसी तरीके की वो, तो उन लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद कई लोग उनके सपोर्ट में आए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आप अधिक से अधिक उनको सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक वहाँ पर जाइए, क्योंकि जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, अब वो किस पार्टी से हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो मुद्दा है वो बेवजह का है। क्योंकि कोई इंसान अपना रोज़गार खोल रहा है तो इसमें उसको परेशान करने वाली कोई बात तो थी नहीं यहाँ पर। और जहाँ पे तक नाम की बात है तो कुछ नाम में ऐसा बुरा भी नहीं था कि उसको इतना धमकाया जाए या डराया जाए, क्योंकि जैसा वो लड़की इंटरव्यू में कह रही है कि ये लोग आए, उन्होंने मेरे को डराया धमकाया, तो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें हुई और सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करा ये टॉपिक। तो इसीलिए मेरे को भी कई, मैंने भी इससे पहले भी वीडियो बनाया था और अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, केवल इसलिए कि आप अधिक से अधिक उस लड़की को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि वो ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है ना ही किसी पैसे वाली पार्टी से, वो तो अपना स्वरोजगार करके अपना एक काम शुरू करना चाह रही थी। और आप लोग जानते ही होंगे अभी लॉकडाउन के दौरान सभी लोगों का कितना नुकसान हुआ है, इसी वजह से अब जो अपना स्वरोजगार करना चाह रहा है आप उसको भी अगर परेशान करेंगे तो इस तरह से काम नहीं चल पाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड के सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप भी सपोर्ट कीजिए। और अगर आप देहरादून में रहते हैं तो प्यारी पहाड़न या इस रेस्टोरेंट पर एक बार ज़रूर जाएँ, भले खाने के लिए जाएँ या एक बार घूमने के लिए जाएँ, उनको सांत्वना देने जाएँ, लेकिन एक बार जाएँ ज़रूर। और मैं बात पूछना चाहता हूँ उन क्रांतिकारियों से जो इस टाइम पे उसकी दुकान का विरोध कर रहे हैं, आप लोग तब कहाँ गए थे जब कुछ भाजपा के एक विधायक ने उत्तराखंड को गाली दी थी? इसके अलावा भी उत्तराखंड में कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे उत्तराखंड की छवि को ख़राब किया जाता है, कई लोग उत्तराखंड को गाली दे देते हैं, कई लोग उत्तराखंड में आपने देखा होगा अभी हरिद्वार देहरादून में कई लोग पकड़े गए थे जो गंगा घाटों में शराब पी रहे थे, यानी उत्तराखंड में कई सारे ऐसे काम होते हैं जो इलीगल हैं, लेकिन वहाँ पर आप लोग बिल्कुल शांत रहते हैं, वहाँ पर आपका पता नहीं चलता। और अब 2022 में जब चुनाव आने वाला है तो उससे पहले आप सब लोग एक्टिव हो गए, और वो भी उस लड़की को परेशान कर रहे हैं जो उत्तराखंड की है और अपना ही एक स्वरोजगार करना चाहती है। तो अगर आप लोग भी उस लड़की को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाइए अधिक से अधिक, और अगर आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि उसको एक सपोर्ट मिल सके, उसको भी लगे कि हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हमारे सपोर्ट में आए हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।